और मना कर देता कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो शायद मैं आज पीछे के कोने वाली सीट पे बैठा होकर सुन रहा होता और तालियां बजा रहा होता। ओके, सो हमको अपने फियर से निकल के आगे बढ़ना है। स्टेप 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हमने सक्सेसफुल होना है इस बिजनेस के अंदर। सो लेट्स सी द पावर ऑफ क्लैरिटी। जब हम इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो एक माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या पाना है, मेरा क्या सपना है। ओके, और दूसरा ये क्लियर करना जरूरी है, इसको हम बोलते हैं व्हाई, व्हाई एम आई हियर। जब आप जुड़ते हैं तो ये क्वेश्चन करें कि आप यहां पर क्यों हैं, व्हाई एम आई हियर, व्हाई आर यू हियर, क्यों चल के आए हैं आप चंबा से, क्यों चल के आए हैं आप यूपी से, क्यों चल के आए हैं आप हरियाणा से, क्यों, व्हाई, यू नो। अगर आप अंग्रेजी के क्यों को अपनी नाक बंद करके बोलेंगे तो वो क्यों हो जाएगा, राइट क्यों, क्यों आए हैं यहां पर आप। लेट्स मूव अहेड। द पावर ऑफ क्लैरिटी, अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। We will find only what we are looking for, nothing more, nothing less. जो आप सोचते हैं वही पाते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए सोच को बड़ा रखो, कुछ नहीं जाता सोचने में, क्या जाता है बड़ा रखो। कहते हैं ना सपने, सपने कौन से सपनों की बात करते हैं, जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सोते हुए देखने वालों के सपनों की बात नहीं कर रहा। Dreams which we see with open eyes. और ड्रीम के साथ जब हम डेट जोड़ देते हैं तो वो हमारा टारगेट बन जाता है, हमारा गोल बन जाता है, हमारा लक्ष्य बन जाता है। सो खाली ड्रीम से कुछ नहीं होगा, ड्रीम के साथ एक डेट लगानी जरूरी है। जब आप इस बिजनेस में आए, आप सपना देखें तो उसको कब तक पूरा करेंगे ये भी जरूर लिखें, बहुत जरूरी है। और जो आपके सपने हैं छोटे बड़े, अच्छा मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने इस बिजनेस में आकर के एक ड्रीम बुक बनाई है, ड्रीम बुक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ ड्रीम बुक। बहुत जरूरी होती है दोस्तों एक ड्रीम बुक होना, जहां पर जो चीज पसंद आए उसको आप लिखें और एलैबोरेट करें। छोटा सा एग्जांपल देंगे, अगर आप ड्रीम की बात करते हैं, मुझे किसी ने बोला कि मेरा सपना है कि मैं कार खरीदूं, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, कार खरीदिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कार, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, सीट कवर का रंग कौन सा होगा, स्टीरियो सिस्टम कौन सा होगा, राइट, कब तक लेनी है, कौन से महीने में लेनी है। ये चीजें जब आप क्लैरिटी लेकर के आते हैं तो आपका ड्रीम जो है मजबूत बनता है, राइट। और अपने ड्रीम को अपने तक ना रखें, फैमिली में बताएं, स्पेशली बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ अपनी फैमिली में अपने ड्रीम्स शेयर करें। ओके, उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फियर ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब हम बच्चों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं डर आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने अगर एक बता दिया, ये बोल दिया कि मैं डिजायर खरीदने वाला हूं दिसंबर 2025 तक, तो आपके घर में जो बच्चे हैं ना, हर तीसरे दिन आके पापा पापा डिजायर कब आ रही है, पापा पापा डिजायर कब आ रही है, कौन से कलर की आ रही है, कब लेकर के आ रहे हो, पहले नहीं लेकर के आ सकते, राइट। ये सब सवाल जब आपके पास आने शुरू हो जाएंगे तो दे विल फोर्स यू टू लिव योर ड्रीम एवरी डे। आप रोज अपना सपना जो है जीना शुरू कर देंगे, और जब आप अपना सपना रोज जिएंगे तो यू विल मेक श्योर कि आप उसकी तरफ आगे बढ़े और अपना सपना पूरा करें, क्योंकि आपके माइंड में अब क्लैरिटी पूरी अच्छी तरह से आ चुकी है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज बीइंग क्लियर, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब शुरू करें
तो कहां पहुंचना है ये पहले सोच लें. बिगिन विद द एंड इन माइंड. हमने भी कार की घर की बात करी. ओके, यू नीड टू सी टू इट, टू नो टू इट, बी फेमिलियर विद इट, दैट व्हाट यू गोना ब्रिंग. बहुत जरूरी है उसको जीना. अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो जाएं उस प्रॉपर्टी फेयर पे, जाएं उस घर को जो शो हाउस होता है वो देख करके आए, उसके कैटलॉग्स इकट्ठे करें, उसके बारे में जानना शुरू करें और वो जो कैटलॉग की जो पिक्चर है अपने शीशे पे लगा दें. सो दैट यू कैन सी इट एवरी डे, यू कैन लिव इट एवरी डे, राइट. वो करना बहुत जरूरी होता है, तब आपका सपना जिंदा रहेगा. इफ योर ड्रीम डाइज देन एवरीथिंग इज गॉन. क्लैरिटी नहीं है इसका मतलब, राइट. And as I said, finding your why. कि हम क्यों हैं इस बिजनेस में, वो बहुत जरूरी है. पैसे के लिए हैं, सक्सेस के लिए हैं, रिकग्निशन के लिए हैं. मैं एक कंपनी में काम करता था और वहां पर जो हमारे रैंक्स होते थे, जैसे यहां पर हमारे डायमंड्स होते हैं या यू नो क्राउन डायमंड्स होते हैं, वहां जो रैंक्स होते थे वो स्टार्ट होते थे मैनेजर से, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन वी यूज टू हैव डायमंड्स एंड ऑल. तो वो जो लेडी मुझे मिली, तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों ये करना चाहती हैं बिजनेस, एंड शी हैड अ वेरी सिंपल रिप्लाई. शी सेड, पंजाब की थी, मैं लुधियाना में रहता था तब. उन्होंने मुझे बोला, विक्रम जी मेरे हस्बैंड जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं, मैंने उनको इस कंपनी में मैनेजर बन के दिखाना है. दैट वॉज हर ड्रीम, राइट. उनका जो सपना था, उनका जो क्लैरिटी थी, उनका जो वाय था वो ये था. वो बात अलग है कि फिर वो बहुत आगे बढ़ी, राइट. लेकिन वेरी 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 क्लियर थॉट कि मुझे क्या करना है. ओके, स्टेप 6, वेरी क्लोज टू सक्सेस नाउ. ओके, लेट्स सी द स्टेप 6. नेवर गिव अप. बीच में कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप बीच में छोड़ देते हैं कोई काम कर रहे हैं तो आप पीछे वालों के लिए जिंदगी आसान कर रहे होते हैं. मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता जो मैं यहां स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूं. व्हेन यू डू इट, इट हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग, यू नो, अलग किस तरह से हम चीजों से गुजरते हैं. लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो मेरे को बहुत पसंद है कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं. 52, राइट, 52 कार्ड्स. एंड सबसे ज्यादा जब ऊंचा पत्ता कौन सा होता है, एस, इक्का. चार एसेस होते हैं और जब हम ताश खेलना चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि हमें वो एसेस मिले, फाइन. हमने ताश को शफल करके उल्टा करके रख दिया. हमारा एम क्या है, हमें चार एसेस चाहिए. जैसे कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं, राइट. और आपका एम क्या होता है कि हमें लोग मिलें जो हमसे जुड़ते जाएं. उन्हीं में से लोग डायमंड्स बनेंगे, उन्हीं में से लोग आगे तरक्की करेंगे, उन्हीं में से लोग क्राउन डायमंड्स बनेंगे, उन्हीं में से लोग क्राउन एम्बेसडर्स बनेंगे, राइट. तो उसी गड्डी के अंदर सब किस्म के लोग हैं. हमें चार एसेस चाहिए. तो आपने पहला पत्ता उठाया, वो निकलाया जोकर. चलो कुछ नहीं, पहला ही है, साइड में रख दिया. फिर दूसरा पत्ता उठाया, वो कुछ और निकला. फिर तीसरा उठाया, चौथा उठाया, पांचवा उठाया, छठा उठाया. यू पिक्ड अप अराउंड 30 कार्ड्स. उसमें एक भी एस नहीं था. अब क्या होता है जिंदगी में, आप लोगों के पास जा रहे हैं वो ना ना ना, नहीं करना, बेकार है, नहीं करना, ऐसी बातें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं रिजेक्टेड हो जाते हैं. रिमेंबर एवरी टाइम समवन से नो टू यू फील हैप्पी, कि एक नेगेटिव व्यक्ति मेरी टीम में आने से. जब दिन कोई ना बोले, अपने पर्स में से एक एक्लेयर निकाल के खाएं और एंजॉय करें. वाह, मजा आ गया, एक ना से छुटकारा मिल गया, ये मेरी टीम में नहीं आया, ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है, राइट. सो ऑलवेज 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 सेलिब्रेट एवरीथिंग इन लाइफ, फाइन. अब बात करते हैं ताश के पत्तों पर. कितने पत्ते बच गए, 32. 30 निकल गए, 32 रह गए, एक एस नहीं आया था. सॉरी, तो कितने एसेस जो हैं हमारे पास हैं अभी, चार के चार, ऑल फोर एसेस आप दे, आपने छोड़ दिया कि मैं नहीं कर रहा, बस बहुत हो गया. उसके बाद मेरा नंबर आता है. आपने मेरी लाइफ आसान करी कि मुश्किल करी, आसान
क्योंकि मुश्किल काम तो आपने कर लिया, अब मेरे को सिर्फ 20 पत्ते उठाने हैं, वो चार एसेस भी उन्हीं के अंदर है। तो सिमिलरली दिस हैपन जब आप बिजनेस को करते 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 छोड़ देते हैं बीच में डिजेक्टेड होकर के, तो उसके बाद जो आता है आपने उसकी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। सो अंडरस्टैंड दिस कि ना से नहीं घबराना। आप सब जानते होंगे नो मीन्स न्यू ऑप्शन, एंड ऑलवेज रिमेंबर नो डज नॉट मीन नेवर। जिसने आज ना कहा है वो कल आपकी सक्सेस देख करके हां भी कह सकता है। ये बिजनेस जो है जोड़ के चलने वाला बिजनेस है, ये नहीं कि अच्छा तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, या लेडीज के अंदर अच्छा वैसे तो बड़ी पक्की से हिली बनती है, है? और आप जब बोला तो ना बोल दिया, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपना रिलेशन नहीं खराब करा, सो नो मीन्स नेवर विल वर्क। क्योंकि उसने आज ना करा है, हो सकता है उसकी कोई जन्मन मजबूरी रही हो ना करने के लिए, और आगे चल के जब वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखे तो हां कर दे, राइट? सो आगे बढ़ना है। लेट्स सी द वीडियो हियर ऑन नेवर गिव अप। छोड़ना नहीं है बीच में। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। सो